हाय दोस्त, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। चलिए देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले इनवर्स फंक्शन क्या होता है? तो इनवर्स फंक्शन ये होता है ए वन वन ऑन टू फंक्शन इज नोन एज इनवर्स फंक्शन। इसमें क्या होता है? तो साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स के होल इनवर्स के बराबर नहीं होता, ठीक है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? ए वन वन ऑन टू फंक्शन इज नॉन एज इनवर्स फंक्शन, जो एकैकी तथा आच्छादक फलन हो, ठीक है। उसमें साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स के होल इनवर्स के बराबर नहीं होता, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें टेबल याद रखना होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं, साइन कॉस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, जिसमें प्रत्येक का डोमेन और उसका रेंज याद रखें। चलिए सबसे पहले टेबल ऑफ इनवर्स टेबल ऑफ डोमेन एंड रेंज डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज का टेबल देखते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए कि साइन इनवर्स एक्स अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, ये हो गया फंक्शन, ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज। रेंज को ही हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स कोई फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन और इसका रेंज हो जाता है माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक, ठीक है। उस प्रकार फिर कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है माइनस वन से लेके वन तक और इसका रेंज हो जाता है क्लोज इंटरवल जीरो से लेके पाई तक। फिर टेन इनवर्स एक्स अगर कोई फंक्शन है वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर और इसका रेंज हो जाता है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक, ठीक है। फिर अगर y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स कोई फंक्शन है तो उसका डोमेन ऑल रियल नंबर लेस देन माइनस वन से लेके वन तक और उसका रेंज हो जाता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू लेस देन जीरो, ठीक है। उसका कॉसेक इनवर्स एक्स अगर कोई फंक्शन हो तो उसका डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, खाली माइनस वन से प्लस वन के बीच नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह उसका रेंज क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक होगा, केवल जीरो नहीं होगा। फिर देखते हैं अगर सेक इनवर्स एक्स कोई फंक्शन हो, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, उसका डोमेन ऑल रियल नंबर लेस देन माइनस वन टू वन और इसका रेंज हो जाता है जीरो से पाई लेस देन पाई बाई टू। और लास्ट हो गया आपका y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, अगर कॉट इनवर्स एक्स कोई फंक्शन है तो उसका डोमेन ऑल रियल नंबर और उसका रेंज होता है ओपन इंटरवल जीरो टू पाई, ठीक है दोस्त। तो हमें प्रत्येक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, प्रत्येक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और उसका रेंज उसे प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, वो हमको याद करना होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये तो याद चाहिए ही, इसके अतिरिक्त एक थोड़ा सा अगर कभी रहता है कि माइनस में, ये मैं मदद के लिए बता रहा हूं, सवाल बनाते वक्त जनरली हमें ये टर्म आ सकते हैं
तो आप उसको भी थोड़ा याद कर लेंगे। अगर कभी माइनस साइन थीटा दिखाई पड़े तो उसको हम साइन ऑफ माइनस थीटा कर सकते हैं। अगर माइनस कॉसेक थीटा हो तो कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा हो तो टेन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। परंतु इन तीनों के अलावा अगर माइनस कॉस थीटा हो तो उसे कॉस पाई माइनस थीटा करेंगे, माइनस सेक थीटा हो तो सेक पाई माइनस थीटा, और लास्ट अगर माइनस कॉट थीटा हो तो उसे कॉट पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये सारा चीज इलेवेंथ का है जो हमें इस सवाल बनाते वक्त काम आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, भूलिएगा नहीं, और सबको कॉपी पे आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, तो आप कभी बनाते वक्त आपको मदद मिलेगी। और ये डोमेन और रेंज का टेबल तो साफ ही नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना, और ये उसी तरह ये जो है बहुत काम आता है। चलिए, तो अब आप प्रत्येक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज तो याद कर लिए और साथ ही साथ ये फॉर्मूला देख लिए। अब हमें बस एक छोटा सा चीज चाहिए जो हम लोग बचपन से ही याद करते आ रहे हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, फलना चला जो भी है आप उसको भी देख लेंगे, ठीक है। हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। अब ऐसे चलते हैं हम सवाल की तरफ। एक्सरसाइज 4A आर एस अग्रवाल बुक से हम देख रहे हैं, जो भी देखेंगे इसमें सारा आर एस अग्रवाल बुक से ही देखेंगे। और आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला एक्सरसाइज देखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए आप निकालिए। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, आप उसे रेंज भी कह सकते थे या प्रिंसिपल वैल्यू भी कह सकते थे। जिसे हम रेंज कहते हैं उसे ही प्रिंसिपल वैल्यू भी कह सकते हैं। तो अगर सवाल कभी रहे कि फाइंड द रेंज या रहे कभी फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, दोनों सेम चीज हो जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। चलो भाई, ये बुक है आर एस अग्रवाल का, ठीक है। इसी बुक से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4A का। एक्सरसाइज हो गया आपका 4A, उसका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका। तो उसमें पहला कह रहा है आपको साइन इनवर्स √3/2 का, साइन इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज देख लीजिए आप, अगर कभी रहे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा या फिर साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो इसको एक तरीका देखिए, जैसे ये साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है और अगर हमें केवल एक्स पूछे तो साइन को साइन उस साइड जाएगा, तो अगर इनवर्स लगा हो और साइड चेंज करें ना तो इनवर्स हट जाता है, तो हो गया साइन थीटा। जैसे इसमें साइन और एक्स इधर है और थीटा साइड में है, अगर एक्स केवल पूछे तो साइन गए उधर, तो अभी नहीं लगा है तो लग जाएगा, ठीक है। तो हम ये देखें कि अगर इनवर्स ऑलरेडी लगा हो और तब साइड चेंज करे तो हट जाएगा, और अगर नहीं लगा हो तो लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन हो गया हमारा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले बनाने का मैं तरीका बताऊं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, जिसमें ये साइन इनवर्स है तो साइन का पहले रेंज लिख देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल −π/2 से +π/2। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की जो मुख्य मान की शाखा है ना वो −π/2 से +π/2 के बीच है, अर्थात हमारे इसका जो भी आंसर आएगा दोस्त वो −π/2 से +π/2 के बीच में आएगा, ठीक है। अब चलो, ये तो लिख दिए, अब जिसका भी वैल्यू चाहिए ना, जिसका भी
हमें उसको मान लेना होगा। तो चलिए मान लेते हैं साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू बराबर थीटा, साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू बराबर थीटा। अब देखो जैसे यहां बताया था इनवर्स लगा हो और साइड चेंज करे तो हट जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो एक्स बराबर साइन थीटा, उसी तरह साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू बराबर थीटा, इसलिए रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू साइन थीटा। अब पलट दीजिए, साइन थीटा आ गया इधर तो रूट थ्री बाई टू गया उधर, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू किसका वैल्यू, साइन पाई बाई थ्री का, साइन सिक्सटी डिग्री का, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, जो बिलोंग्स तो कर रहा है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में, अतः जो भी आया थीटा का वैल्यू वो उसके बीच में है, अतः प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू इज पाई बाई थ्री। ठीक है दोस्त, इस तरह से साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, पाई बाई थ्री। अब हम लोग देखेंगे उसी का दूसरा, जैसे एक्सरसाइज 4A के पहला में सात गो क्वेश्चन, जिसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा हमें वही बात, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, दूसरा है साइन इनवर्स 1 बाय 2 का। ठीक है, तो जैसे इसमें था ना साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू था, उसमें साइन इनवर्स 1 बाय 2 है, तो हमें वही करना बस जैसे इसमें किए थे। चलिए सबसे पहले अब क्या करेंगे, इसका रेंज लिख देंगे, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स वन साइन इनवर्स एक्स इज माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू तक। चलिए ये तो लिख दिया उसका रेंज, अब जो भी है उसको मान लीजिए, तो साइन इनवर्स 1 बाय 2 इज इक्वल टू थीटा, इसलिए 1 बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा, इसीलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, जो बिलोंग्स तो कर रहा है माइनस में पाई बाय 2 से लेके प्लस में पाई बाय 2 तक। ठीक है दोस्त, इस तरह से किसी भी फंक्शन का हम आराम से प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे तीसरा देख लीजिए, चलिए इसको नोट करेंगे, करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को रोक करके आप पहले नोट कर लेंगे। चलिए उसके बाद मैं बता रहा हूं तीसरा, पहला का ही तीसरा कह रहा है क्या दरका है, कॉस इनवर्स 1 बाय 2। तो हमें क्या पता है जिसका भी जो भी फंक्शन है पहले उसका रेंज लिखना होगा, तो चलिए रेंज लिख देता हूं सॉल्यूशन में, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज 0 to π, कहने का मतलब जो भी फंक्शन हो उसका रेंज लिखेंगे हम। तो है कि कॉस इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, तो पहले कॉस इनवर्स एक्स का रेंज लिख दिया, अब जिसका भी वैल्यू चाहिए उसको कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लिए कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, इसीलिए 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस कितने डिग्री का मान 1/2, तो कॉस 60 डिग्री, दैट मींस पाई बाय 3, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 व्हिच बिलोंग्स टू 0 to π, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में है, अतः हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 इज पाई बाय 3। ठीक है, चलो फिर चार नंबर, पहला का ही चौथा, टेन इनवर्स वन पहला का चौथा है, मैं उसको छोड़ देता हूं, पांचवा बता रहा हूं, टेन इनवर्स 1/√3, पांचवा कह रहा आपको टेन इनवर्स 1/√3, जैसे ये था ना कॉस इनवर्स 1/2, उसी तरह टेन इनवर्स 1/√3। तो सबसे पहले हमें उसका रेंज लिखो जो है, तो यहां पे चलेंगे, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज
ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक। चलो उसके बाद जो भी फंक्शन है ना उसको मान लेते हैं। तो मान लिए कि टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री इज इक्वल टू थीटा, वन बाय रूट थ्री इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री है ना। अब चलिए टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री, फिर टेन थीटा इज इक्वल टू, अब ये सोचना है कि वन बाय रूट थ्री टेन में किसका वैल्यू होता है, तो टेन थर्टी डिग्री, तो क्या टेन पाई बाय सिक्स, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स जो बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में, ठीक है दोस्त। अतः टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री का प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाय सिक्स होगा। चलो एक छह नंबर देख लेते, आप अगर चाहें तो क्वेश्चन को नोट करते चलना है, आपको वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर छह नंबर क्वेश्चन फर्स्ट का ही सिक्स, कह रहा है सेक इनवर्स टू बाय रूट थ्री का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो चलिए जो भी फंक्शन है पहले उसका रेंज लिखना होगा, यहां पे लिखेंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज जीरो टू पाई लेस देन पाई बाई टू, ठीक है। उसके बाद जिसका भी वैल्यू चाहिए उसको मान लेते हैं। तो मान लिए सेक इनवर्स टू बाय रूट थ्री इज इक्वल टू थीटा, इसलिए टू बाय रूट थ्री इज इक्वल टू क्या हो गया, अरे समझ रहे हैं ना। देखिए जो प्रॉब्लम आए कमेंट कीजिएगा, बताइएगा हमको। फिर चलो सेक थीटा इज इक्वल टू टू बाय रूट थ्री, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक पाई बाय सिक्स, सेक थर्टी डिग्री का वैल्यू टू बाय रूट थ्री, इसलिए थीटा बराबर पाई बाय हो गया सिक्स जो बिलोंग्स कर रहा है यानी जीरो से लेके पाई लेस देन पाई बाय टू के बीच। अतः प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स टू बाय रूट थ्री इज पाई बाय सिक्स, ठीक है। तो इस तरह से सिक्स में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो और लास्ट क्वेश्चन है पहला का, फर्स्ट का जो लास्ट है सेवन नंबर, वो कह रहा है कॉसेक इनवर्स रूट टू, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स रूट टू का प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, ठीक है। और देखिए जो भी है पहले तो उसका रेंज लिख दो, जैसे वी नो दैट करके, तो वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू लेस देन जीरो, लिख दिया उसका रेंज पहले, अर्थात ये हो गया कि हमारे कॉसेक इनवर्स रूट टू का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच होगा, केवल जीरो नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये तो लिख दिया, अब जिसका भी वैल्यू चाहिए उसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कॉसेक इनवर्स रूट टू इज इक्वल टू थीटा, तो रूट टू इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, इसलिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका रूट टू। अब ये सोचना है रूट टू कॉस कितने डिग्री का वैल्यू, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक पाई बाय फोर, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर विच बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू लेस देन जीरो, ठीक है। अतः प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स रूट टू इज पाई बाय फोर, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से एक्सरसाइज 4A में चार क्वेश्चन है, जिसमें पहला में सात गो है, दूसरा में भी छह गो है। चलो पहले दूसरा देखते हैं, ठीक है। चलो इसको आप नोट कर लेंगे। आइए
और अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा या फिर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं पहले अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया 8677922316, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इससे कमेंट, इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, वही बात, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। और मान बताओ किसका प्रिंसिपल वैल्यू बताओ भाई, तो पहला है साइन इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू का, या साइन इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू का प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। तो देखिए क्या होता है, अभी जो पहला में देख रहे थे ना उसमें क्या था, यही क्वेश्चन सब था, लेकिन साइन इनवर्स प्लस में वन बाय रूट टू था दोस्त, अब इसमें माइनस में वन बाय रूट टू हो गया, ठीक है, और कोई अंतर नहीं। तो चलिए जैसे उसमें बनाते थे वैसे इसमें भी बनाना है, तो हम यहां पे लिख देंगे कि वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, जिसका भी वैल्यू चाहिए उसको कुछ मान लेते हैं, तो मान ली साइन इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू इज इक्वल टू थीटा, इसलिए माइनस वन बाय रूट टू इज इक्वल टू साइन थीटा, फिर साइन थीटा बराबर क्या हो गया माइनस वन बाय रूट टू। देखो दोस्त साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस वन बाय रूट टू, माइनस वन में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये तो साइन थीटा है ही, माइनस है तो माइनस लिख दो, बचा कितना वन बाय रूट टू। अब ये सोचो कि वन बाय रूट टू साइन में कितने का मान होता है, जी हाँ, तो साइन 45 डिग्री का, तो हो गया आपका ये माइनस में साइन पाई बाय 4, साइन थीटा इज इक्वल टू। अब एक कंडीशन मैंने नोट में लिखाया था अभी कि अगर कभी माइनस साइन थीटा हो तो उसे साइन ऑफ माइनस थीटा कर देते हैं, थ्योरी में बताया था, इसलिए इसको हम कर देंगे साइन माइनस पाई बाय 4, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, जो बिलोंग्स तो कर रहा है माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 के बीच में। अतः प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू इज माइनस पाई बाय 4, ठीक है दोस्त। इस तरह से चलिए दूसरा का मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूं, क्या है कॉस इनवर्स माइनस में रूट थ्री बाई टू, जी हाँ कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू। तो सबसे पहले तो करना तो वही कंसेप्ट, तो वही है कि सबसे पहले जो भी है उसका रेंज लिख दो। तो चलिए वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, अर्थात हमारा जो आंसर आएगा इसका वो 0 से पाई के बीच में आएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेता हूं, जो भी है उसको मान लीजिए थीटा, तो कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू थीटा, इसलिए माइनस रूट थ्री बाई टू बराबर हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर माइनस में रूट थ्री बाई टू, क्या था माइनस के लिए मैंने बताया था माइनस लिख दीजिए, बाकी बताओ कितने का मान है, उसमें वही बताया गया था, तो बाकी बच गया रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, तो क्या कॉस पाई बाय 6, ठीक है। अब ये हो गया एक तरह से माइनस कॉस थीटा, जिसका मैंने अब थ्योरी बताया था कॉस पाई माइनस थीटा, इस तरह से हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाय 6, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 5 पाई बाय 6, इसलिए थीटा बराबर 5 पाई बाय 6, जो बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। अतः प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू इज 5 पाई बाय 6, ठीक है दोस्त। तो जिसको भी नोट करना वो नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं दूसरा का ही
तीसरा चौथा क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा में बस छह को क्वेश्चन है, और आप जो भी क्वेश्चन बना लेते हैं उसको फिर रिवाइज करते रहेगा टाइम टाइम पे, ठीक है, जिससे क्या होगा तो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए दूसरा का तीसरा क्वेश्चन, सवाल है टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, ठीक है। अब टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री को तो सबसे पहले टेन इनवर्स फंक्शन का पहले रेंज लिख देते हैं, यहां पर लिखेंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज ओपन इंटरवल माइनस फाइव बाई टू से लेके प्लस फाइव बाई टू तक, ठीक है। चलिए फिर मान लेते हैं तो टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू थीटा, माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस में रूट थ्री, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस छोड़ दीजिए, बाकी बचा रूट थ्री जो होता है टेन पाई बाई थ्री का वैल्यू, अब हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि ये लग रहा है एक तरह से माइनस टेन थीटा की तरह, जिसका फॉर्मूला होता है टेन ऑफ माइनस थीटा। तो इस प्रकार थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय थ्री होगा, अतः प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री इज माइनस में पाई बाय थ्री, ठीक है दोस्त। चलिए इसको भी नोट कर लेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं सेक इनवर्स माइनस टू, चार नंबर क्वेश्चन, दूसरा का ही चौथा, सेक इनवर्स माइनस टू, सेक इनवर्स माइनस टू, ठीक है। चलिए तो जो भी फंक्शन है पहला काम मेरा उसका रेंज लिखना, तो रेंज लिख देंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स माइनस सेक इनवर्स एक्स इज जीरो से पाई लेस देन पाई बाई टू, ठीक है। अब जो भी फंक्शन उसको मान लीजिए, तो सेक इनवर्स माइनस टू इज इक्वल टू थीटा, माइनस टू इज इक्वल टू हो गया सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस टू, सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस तो छोड़ना है, बाकी बचा दो जो होता है सेक पाई बाय थ्री का वैल्यू, इसलिए हो गया फिर सेक थीटा इज इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा, ये कर सकता था ना माइनस सेक थीटा को सेक पाई माइनस थीटा करने का, तो हो गया सेक पाई माइनस थीटा की जगह पाई बाई थ्री, इसीलिए सेक थीटा इज इक्वल टू सेक टू पाई बाई थ्री, इसलिए फाइनली थीटा इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री, जो बिलोंग्स कर रहा है जीरो से 180 लेस देन पाई बाई टू के बीच में, अतः प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स माइनस टू इज 2π/3, ठीक है। इस तरह से दूसरा में और दो क्वेश्चन है, सिंपल है, आप बना सकते हैं। चलिए मैं तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, एक्सरसाइज 4A में चार ही क्वेश्चन है, जिसमें से पहला में 7 को था, दूसरा में भी 6 को है, तीसरा सिंगल है, चौथा सिंगल है। चलिए तो देख लेते हैं तीसरा, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, कह रहा मान बताओ, ठीक है, इवैल्यूएट, किसको इवैल्यूएट करना भाई, तो कॉस कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स का, जी हां क्वेश्चन है कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स। अब ध्यान से अगर देखना तो ये कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू कॉमन से निकाल चुके हैं, बस क्या करना इसका वैल्यू डाल के प्लस चेक कर देना हमें। तो चलिए यहां पे लिखेंगे कि दिया है
क्या दिया भाई, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स। ठीक, इसका मान केवल अलग से निकालिए, इसको समीकरण एक कर दीजिए, इसका मान अलग से निकाल कर इसमें ला के फिर रख देंगे। ठीक है, तो चलिए मान लो कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू थीटा, इसलिए माइनस रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू हो गया आपका कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस तो छोड़ना है, बाकी बचा जो वो हो गया कॉस फाइव बाई सिक्स का वैल्यू, इसीलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस फाइव बाई सिक्स, बिकॉज अगर कभी माइनस कॉस थीटा हो तो उसको कॉस पाई माइनस थीटा करते हैं, तो हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस फाइव पाई बाय सिक्स, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू फाइव पाई बाय सिक्स, जो बिलोंग्स क्या था जीरो से पाई के बीच में, अर्थात इसका वैल्यू पाई बाय सिक्स, फाइव पाई बाय सिक्स होगा क्योंकि कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू थीटा के बराबर और थीटा फाइव पाई बाय सिक्स के बराबर। ठीक है, अब चलिए समीकरण एक में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है बाबू, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू प्लस पाई बाय सिक्स, तो कॉस तो है ही, इसका वैल्यू हो गया फाइव पाई बाय सिक्स और प्लस में पाई बाय सिक्स, जो हो गया आपका कॉस, ऐड करेंगे तो सिक्स पाई बाय सिक्स, सिक्स सिक्स गोल कॉस पाई मतलब कॉस 180 डिग्री, जिसका मान होता है माइनस वन। ठीक है, इस तरह से तीसरा को आप बना सकते हैं, आराम से उसको देखिए, नोट कीजिए, समझिए, प्रॉब्लम आए मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। चलो चार नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर फोर, फिर वही बात इवेल्युएट करना ही है, क्या है कि साइन पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू। ठीक है, साइन पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू, जी हां साइन पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू, आप क्या करना फिर इसको समीकरण एक मानिए और केवल साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू को अलग से मान निकाल करके फिर समीकरण एक में रख देंगे। तो चलिए मान लीजिए साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू थीटा, तो माइनस रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू हो गया आपका साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस में रूट थ्री बाई टू, साइन थीटा हो गया माइनस और रूट थ्री बाई टू के जगह पे साइन पाई बाई थ्री, इसीलिए हो गया फिर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई थ्री, इसीलिए थीटा बराबर माइनस पाई बाई थ्री, जो बिलोंग्स कर रहा है माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच में, अर्थात उसके सीमा में है। अब समीकरण एक में ले जाके रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हो गया साइन पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स माइनस में रूट थ्री बाई टू, माइनस में रूट थ्री बाई टू, जी हाँ, तो ये हो गया आपका साइन तो है ही, ये पाई बाई टू भी है बीच में माइनस, इसका वैल्यू निकल गया माइनस में पाई बाई थ्री, तो हो गया ये साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई थ्री, ये फॉर्मूला कैसा है, नाइनटी प्लस थीटा जो हो जाता है प्लस में कॉस थीटा जो हो गया आपका वन बाई टू। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 4A आर एस अग्रवाल के जो एक से लेकर चार तक का क्वेश्चन है, मैंने कोशिश किया कि सब क्वेश्चन को बनाता चलूं और आप यहां से एक्सरसाइज 4A को बना सकते हैं। ठीक है, और मैंने अगला वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को थ्योरी सहित पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, और आपको जो भी दिक्कत हो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8677922316 पे कॉन्टेक्ट बना सकते हैं। जी हाँ।